आप देख रहे हैं मुबीन हेल्थ टीवी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भी हेल्थ से रिलेटेड ही है और ये वीडियो एक बच्चों की मेडिसिन के हवाले से है, जो मेडिसिन हम अक्सर एमरजेंसी में बच्चों को देते हैं। यानी हम बाज़ दफ़ा इस मेडिसिन का इस्तेमाल सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर भी करवा देते हैं और ये मेडिसिन है सिट्रीज़ीन हाइड्रोक्लोराइड। इस वीडियो में हम आपको इस मेडिसिन से मुतल्लिक कुछ मालूमात देंगे, इसके साइड इफेक्ट के बारे में मालूमात देंगे, इसकी डोज के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल कब खतरनाक हो सकता है। तो अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, ये साल्ट है सिट्रीज़ीन हाइड्रोक्लोराइड। पाकिस्तान में इसकी प्राइस तकरीबन 120 ml की अगर पैकिंग की बात करें तो 100 रुपीज़ के करीब है। मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ ब्रांड ने इसे बना रही हैं, जैसे ये रिजेक्स सीरप है, जेरेटिक सीरप है और ये जिक्सर सीरप है। ये मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ ब्रांड ने इसे बना रही हैं। ये एंटी हिस्टामिन टैबलेट है जिसे आमतौर पर एलर्जी की मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और हम इसे अक्सर घर में रखते हैं और सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो डोज है पर एमएल में 1 mg मौजूद होता है, यानी 5 ml जो एक चम्मच होता है 5 ml का, उसमें 5 mg मेडिसिन मौजूद है। तो इसका हम यूज़ के बारे में आपको मालूमात देते हैं कि अक्सर जो एलर्जी कंडीशन होती है उसमें इसका यूज़ किया जाता है, किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट होने पर इसका यूज़ किया जाता है, अक्सर छींकें आना शुरू हो जाती हैं, हल्का नज़ला ज़ुकाम होता है उसमें यूज़ किया जाता है, बाज़ दफ़ा गले की एलर्जी होती है बच्चों को उसमें यूज़ किया जाता है, सांस के मसाइल में भी इसे यूज़ किया जाता है, उसके बाद ख़ारिश में इसका यूज़ किया जाता है। अक्सर जो नमी वाला मौसम होता है, ठंडी या नमी वाली हवा से छींकें आना शुरू हो जाती हैं उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। अगर डॉक्टर ने आपके किसी नुस्खे में से प्रिस्क्राइब किया हो तो उसकी वजह यह होती है कि अगर उस मेडिसिन का कोई रिएक्शन सामने आता हो तो ये उसे भी कवर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अस्थमा में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर ने एहतियाती तौर पर नुस्खे के साथ इसको प्रिस्क्राइब किया होता है। अगर तो हम आपको इसकी डोज के बारे में मालूमात दें तो 2 साल से 6 साल तक के बच्चे के लिए 2.5 ml से 5 ml तक दे सकते हैं आप, मसलन के 2.5 ml या 5 ml तक आप इसकी डोज दे सकते हैं। 6 साल से 12 साल तक के बच्चे के लिए 5 ml से 10 ml तक इसकी डोज दी जा सकती है। और अक्सर लोग देखते हैं हम के जो बड़े लोग हैं 25 से 30 साल के, वो भी सीरप का यूज़ करते हैं, तो यूज़ किया जा सकता है क्योंकि 5 ml जो इसका चम्मच होता है 5 ml का, उसमें 5 mg मेडिसिन मौजूद है। तो 10 ml में 10 mg इसकी टैबलेट 10 mg में मार्केट में दस्तियाब है, जो कि एक बड़े की डोज है। तो उसके बाद हम आपको इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं कि नींद आना, पेट दर्द, पसीना आना, बुखार, जिस्म गर्म लगना वगैरह, वमटिंग हो सकती है, दिल खराब हो सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट में शामिल है। तो दोस्तों, एक आपको बहुत ही अहम एहतियात के बारे में मालूम देना चाहते हैं कि ये जो सीरप है आप कोशिश करें कि बच्चों को ख़ास तौर पर इसका यूज़ है जो रात के टाइम करवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इसके एक साइड इफेक्ट में ये साइड इफेक्ट भी है कि इसे पीने के बाद बिल्कुल इसी तरह नींद आने लग जाती है जैसे आपने कोई स्लीपिंग के लिए कोई सीरप या टैबलेट का इस्तेमाल किया हो। तो इस तरह बच्चों को वो देना खतरनाक हो सकता है दिन के टाइम, क्योंकि बच्चे बाहर खेलते कूदते हैं तो इसलिए उनके लिए मसाइल बन सकते हैं। और एक और चीज़ का ख्याल रखें कि सीरप देने के बाद बच्चे को किसी ऊंची जगह पर ना जाने दें, छत वगैरह पर, और मोटरसाइकिल पर अपने साथ पीछे ना बिठाएं, क्योंकि किसी भी टाइम इससे गुनूदगी हो सकती है और बहुत से मसाइल जन्म ले सकती हैं। अगर तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ।